सर इसके लिए ये हमारा पीछे का पहिया दिखना चाहिए ना? पहिया नहीं, रोड दिखेगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम राहुल, कम बैक। गाइस आप सब कैसे हैं? गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ हर दिन कुछ ना कुछ आपको उसको उससे नया सीखने को मिले। सो गाइस बेटा सीट बेल्ट लगा लो। तो ड्राइविंग से रिलेटेड आपको मेरे चैनल पे वीडियोस मिलेंगी, और अगर आपको मेरे से बात करनी है कोई भी ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरी प्रोफाइल है, वहाँ पे जाके आप उसको कमेंट भी कर सकते हैं और उसको फॉलो कर लीजिए। और आप मुझे FB पे भी फॉलो कर सकते हैं, राहुल मोटर ड्राइविंग स्कूल पिकनिक स्पॉट के नाम से मेरा पेज है। एक मेरा सेकंड चैनल है कार नॉलेज बाय राहुल, वहाँ पे भी जाके आप मुझे विजिट कर सकते हैं। सो गाइस मेरे साथ जो मेरे स्टूडेंट हैं उनका नाम जान लेते हैं, क्या नाम और कहाँ से आए हैं और क्या अभी तक उन्होंने सीखा है। तो गाइस वीडियो में बने रहिएगा। हेलो हेलो फ्रेंड्स, क्या नाम है आपका? तबरेज। तबरेज, और कौन सा डेज है आपको ड्राइविंग करते हुए? नाइन डेज है। ओके, कहाँ से आए हैं आप ड्राइविंग सीखने? सर आजमगढ़ से। ओके, सो गाइस आप देख सकते हैं तबरेज भाई आए हैं आजमगढ़ से। स्पीड कम बेटा, स्पीड थोड़ा कम, क्योंकि तेज चलाओगे तो गाड़ी लहराएगी, तेज चलाना कोई कला नहीं है। तो आज हम देखेंगे तबरेज भाई ने क्या सीखा है अभी तक, और क्या क्या चीज़ें अभी इनको सिखाने की ज़रूरत है, और क्या ये अकेले कार चला सकते हैं अपनी, ये सारी चीज़ें हम नोटिस करेंगे। और गियर के हिसाब से स्पीड रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पीड करेंगे आप तो गाड़ी आपकी बबल करेगी, समझ, भागने लगेगी दाएँ बाएँ। सिंगल रूट पे चलाना दोस्तों थोड़ा टफ रहता है, क्योंकि डिवाइडर नहीं होता तो सामने से आने वाली गाड़ियों से टकराने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जब भी कभी आप सिंगल रूट पे कार चलाएं तो पासिंग डिपर का ज़्यादा यूज़ करें, हल्का लेफ्ट आ जाओ। तबरेज पासिंग डिपर पता है ऊपर? हाँ, इसको ऊपर उठाना होता है ऊपर की तरफ। हाँ ऐसे नहीं बेटा, वो सिग्नल होता है तो बताता हूँ। हाँ ऐसे, ए इसको ऐसे ऐसे। हाँ गाड़ी है पीछे आपके। सो गाइस इस तरीके से अब आप देख रहे हैं कि बहुत बिजी रोड है, ये सिंगल रोड है पिकनिक स्पॉट वाला, और बहुत ही ज़्यादा बिजी है, क्योंकि कई लोग इधर से देवा रोड भी निकलते हैं, कई लोग कुर्सी रोड भी जाते हैं अंदर इंटीग्रल होते हुए, अपना गुड़म्बा मार्ग होते हुए, और सिंगल रोड है और बहुत ही ज़्यादा बिजी रोड है, और इस पर एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं दोस्तों, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही करी बस हो गया उतने में। तो सिंगल रोड पर जब भी हम कार चलाएँ तो थोड़ा सा सावधानी बरतनी है कि सामने से आने वाली गाड़ी की स्पीड क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है, उसको पासिंग डिपर देख के उसको हम अलर्ट कर देंगे। तो क्या होगा कि जब सामने वाला बंदा आ रहा होता है और आप पासिंग डिपर दे देते तो वो अलर्ट हो जाता है, उसका लाइट का फ्रिक्शन उसके जब नज़रों पे पड़ता है तो एकदम से उसका ध्यान सामने की तरफ आ जाता है। आप देखेंगे तो सामने से जितनी भी गाड़ियाँ आनी सबकी लाइट ऑन है, लाइट ऑन वो डे के हिसाब से LED अपने आप ऑन रहती है। इससे ये एक्सीडेंट को देखते हुए ये चीज़ें हो गई हैं 2018 के बाद कि अब कोई भी गाड़ी अगर नई आती है तो उसमें LED ऑन रहती है। आगे से लेफ्ट जाना है बेटा, सिग्नल दो लेफ्ट का, हाँ ऊपर को, गुड। और टर्निंग के टाइम आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे होगा, लेफ्ट वाला क्लच पे होगा, और गाड़ी की जो स्पीड है वो 10 से 20 के बीच में होगी, 10 से 20 के बीच में। टर्निंग के टाइम मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15, और फर्स्ट और सेकंड गियर में आप कार मोड़ सकते हैं। अभी ब्रेक लो हल्का, बस लेफ्ट टर्न करना है, काटो धीरे धीरे बेटा, लेफ्ट ये है, इधर इधर बच्चा इधर, चलो छोड़ो क्लच ब्रेक छोड़ो, जाओ रेस करो हल्का सा, अभी आप कंफ्यूज हो गए तबरेज भाई, सीधी करो सीधी करो, आपने सिग्नल लेफ्ट का ही दिया था। हाँ सर। और जा रहे थे राइट गाड़ी लेके, स्पीड कम करो, सिग्नल तो लेफ्ट का दिया था ना तो राइट क्यों जा रहे थे? नहीं गलत, माइंड को टेंशन मत दो, कूल होके चलाओ, जितना कूल चलाओगे ना उतना अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, समझ रहे हो? स्पीड कम, जाने दो धीरे धीरे। जाने दो, गुड। अगर माइंड में आप कोई टेंशन बना के चलोगे ना तो उसमें दिक्कत होती है, कर कुछ रहे हो कुछ रहा है, गाड़ियाँ आ रही हैं आपके पीछे, उनको साइड दे दो। हाँ साइड वाले अपने शीशे में देखो राइट वाले, और गाड़ियों को निकलने दो, बस जाने दो धीरे धीरे। और एक चीज़ और भी होती है, अगर हम कार सीखते टाइम बहुत ज़्यादा घबराते डरते हैं
तो फिर गलतियां बार बार होती हैं। हाँ, स्टार्टिंग में रहता है थोड़ा सा डर रहता है, समझ में नहीं आ पाता है कि हमको कैसे क्लच लेना है, कैसे ब्रेक लेना है, कैसे स्टीयरिंग संभालना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि समझ नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे हम समझ जाते हैं फिर उसके बाद चलाते हैं तो बहुत आसानी से चीज़ों को हम सीख सकते हैं। गुड, सिंगल रोड पे ये रोड है 8 फीट चौड़ा, ठीक है, 8 से 10 फीट मतलब मैक्सिमम 10 फीट है, और हमारी जो कार है वो 7.5 से 8 फीट है। तो अगर सामने से कोई दूसरी कार आ गई तो क्या दो कार एक साथ निकल सकती हैं? नहीं। तो वहाँ पे क्या है ना, आपको उसको पासिंग डिपर देना है सामने वाले को, और एक टायर अपना रोड से नीचे कर लेना है, और वो भी अपना एक टायर नीचे कर लेगा तो दो गाड़ी बहुत आसानी से क्रॉस कर जाएंगी, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जान, अब जैसे ये बाइक आ रही, इसको डिपर दो। गुड, एक बार, सिर्फ एक बार। गुड, स्वीट कम, यहां से राइट जाना है, सिग्नल दो राइट का। हाँ, आराम से राइट, हॉर्न राइट, उखो राइट, गुड, वेरी गुड, चलने दो, गुड 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 गुड। अब सामने से बाइक आ रही है, इसको डिपर दो। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डरना नहीं, घबराना नहीं है, सिचुएशन को हैंडल करना है। अब गाड़ी आ रही है, इसको एक बार डिपर दो। अब एक टायर, वो देखो उसने नीचे उतारा, आप भी बेटा एक टायर नीचे उतारो। अब ये नहीं कि उसने अपनी गाड़ी उतारी और आपने नहीं उतारी है, आपको भी कोऑपरेट करना है सामने वाले को, आपको भी बचाना है जैसे वो आपको बचा रहा है। पासिंग डिपर देने का मतलब ये नहीं कि आपकी जिम्मेदारी ख़त्म। जाने दो, गुड, बढ़ाते रहो धीरे धीरे। हाँ, लेफ्ट आओ, ज़्यादा राइट नहीं, चलो धीरे धीरे रेस करो, लेफ्ट आओ, ज़्यादा राइट मत जाओ, बढ़ाओ धीरे धीरे, चलो धीरे धीरे। घबरा क्यों रहे हो, चलते रहो, डरो मत, अपनी गाड़ी लेफ्ट रखो। हाँ, चलते रहो धीरे धीरे। अब एक्सीलेटर वाला पैर ब्रेक पे लाओ और पूरा क्लच दबा के तीसरा गियर डालो बीचों बीच में ऊपर, बस जाने दो, छोड़ो क्लच ब्रेक। अभी देखो तुमने गलती क्या करी है, तुम्हारी स्टीयरिंग लहरा गई, क्योंकि कहाँ पकड़ के गियर डाला जाता है, 12 क्लॉक पे डालना होता है, बट आपने कहाँ डाला था, हाथ पकड़ रखा था 3 पे, तो गाड़ी तो लहराएगी लहराएगी। कभी भी अगर आपको गियर चेंज करना है तो आपका हाथ का जो डायरेक्शन है वो वॉच टाइम 12 क्लॉक। अब ब्रेक पे पैर रखो, घबराओ मत, डरो मत, एकदम हॉपलेक्स मत हो, बस लेफ्ट आओ हल्का सा, जाने दो। कभी भी कोई गाड़ी आ रही तो एकदम से घबराओ मत, क्लच लेके ब्रेक लेके गाड़ी को कंट्रोल कर लो, ठीक है। और ये नहीं कि मतलब गियर चेंज करना जरूरी है, क्लच ब्रेक से गाड़ी कंट्रोल करो फिर आराम से गियर चेंज कर सकते हो। आपको लग रहा नहीं निकल पा रही तो रोक लो, फिर वापस खड़ी करके फिर गियर बदल के निकालो। थर्ड गियर में सोचा, नहीं नहीं तो थर्ड गियर में आप ब्रेक लेके गाड़ी को स्लो कर सकते थे, कोई ऐसी बात नहीं थी, आराम से। हाँ, बहुत आराम से, बहुत ज़्यादा नहीं। अभी आप गियर चेंज कर चुके हो ना, तो अब 40 की स्पीड क्यों चला रहे हो, दूसरे गियर में 40 थोड़ी जाओगे, बस 30 से ऊपर नहीं, स्पीड कम। ये देखो गड्ढे में गई, अब आपने क्या करा देखो, खाली ब्रेक दबा दिया, यहाँ पे आपको क्लच लेके ब्रेक लेना था, वापस इंजन ऑन करो, खाली ब्रेक नहीं दबाना था, क्लच पहले लेना होता है, क्लच जाओ रेस करो पहले लेना होता है, ब्रेक धीरे धीरे लेना होता है, क्लच एक ही बार में हमको दबाना होता है। अभी आपने यही तो गलती करी, ब्रेक ज़्यादा दबा दिया, क्लच इस्तेमाल ही नहीं किया। कभी भी अगर हम ब्रेक दबाते हैं तो क्लच लेके ब्रेक, पहले हम गियर को फ्री करते हैं, जो गाड़ी गियर में एक्टिव है वो कैसे फ्री होगी जब आप पूरा क्लच दबा लोगे। अभी सेकंड गियर करो क्लच दबा के, गुड, देखो वो डिपर मार रहा है आपको, और आपने जो भी गाड़ी अचानक रोकी थी भी पीछे बाइक वाला ठोक देता, क्योंकि तुम चल रहे थे धीरे धीरे, चलते चलते तुमने अचानक रोक दिया, है? और वो भी गाड़ी टेढ़ी करके रोक दिया, आधी गाड़ी रोड के नीचे थी आधी ऊपर थी, ऐसे में एक्सीडेंट हो जाता है।
बात ध्यान रखना, ठीक है? इतना ज़्यादा मतलब गड़बड़ नहीं करना है, और पैनिक मत हुआ करो तुम, एकदम पैनिक हो जाते हो, घबरा जाते हो, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कि गाड़ी गई नीचे से निकल के। अब ब्लाइंड टर्न है, सामने दिख नहीं रहा, तो लॉन्ग हॉर्न पुश करो, जाने दो, चलते रहो धीरे धीरे। हाँ हॉर्न राइट रखो, राइट 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 राइट, ऐसे जानवर अचानक आ जाते हैं, ठीक है? चलो बढ़ाओ धीरे धीरे और लेफ्ट आओ। सो गाइस, आपने देखा तबरेज भाई को, ये थोड़ा घबराते ज़्यादा, डरते बहुत ज़्यादा हैं। कितने साल सऊदी रहे हो? सिक्स ईयर। और अभी गाड़ी सीखने के बाद क्या प्लान है आपका? सऊदी जाएंगे, ड्राइविंग में जाएंगे। ओके, अच्छा, अभी इससे पहले क्या करते थे आप सऊदी में? इससे पहले हेल्पर लाइन में गया, तो बाद में चॉकलेट का काम मुझे सिखाया वहाँ का सर। अच्छा, चॉकलेट का काम सिखाया। ओके, चॉकलेट काम करता था। अच्छा, सो गाइस आप देख सकते हैं थोड़ा घबरा जाता है, नर्वस हो जाता है, पैनिक। अब सामने ट्रैक्टर आ रहा है, ब्रेक पे पैर रख लो, दबाना कुछ भी नहीं, सिर्फ पैर रखो, गाड़ी थोड़ी नीचे उतारो। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।